जी है प्रोटेक का 1200 वाट एम्पलीफायर, जो लिखा है इस पर प्रोटेक MX1000M V2। ये 1200 वाट प्रोटेक का एम्पलीफायर है। इसमें ये लो मिड हाई और स्विच सेलेक्टर हॉर्न एंड स्पीकर, ये इसका मास्टर है जिसे ये आउटपुट लेवल है। इसका पावर टेम्प एंड ओवरलोड स्विच ये ऑन ऑफ है, जैसा कि ये एम्पलीफायर देख रहा हो। ये इसका बैक साइड है एम्पलीफायर का, ये फैन है, ये रीसेट स्विच है, जिसका वैनिला टर्मिनल्स हैं, जिसकी 1700 की टेपिंग है, जिसका ऑक्स इनपुट है, ये एक इनपुट है, दोनों टाइप की इनपुट दिए हैं इसमें। और जिसका स्विच सेलेक्टर है वह वॉल्यूम एंड नॉन वॉल्यूम पे, और ये इसका पावर कोड है जो कि हैवर्ड के 1200 के वर्ड के हिसाब से बहुत सही है। इसके आप अंदर दिखाते हैं, इसका अंदर क्या कैसा व्यू है। जैसा कि हमने इसके स्क्रू ऑलरेडी खोल रखे थे, तो जैसा कि इसके अंदर दिख रहा होगा आपको, जिसका मेन ट्रांसफार्मर है, जिसे ट्यूटोरियल ट्रांसफार्मर बोलते हैं, वो है। इसका आउटपुट है आउटपुट ट्रांसफार्मर, जिसके रेक्टिफायर हैं, डबल रेक्टिफायर लगे इसमें, जिसके कैपेसिटर हैं, 4 कैपेसिटर लगे इसमें। इसकी वैल्यू कैपेसिटर की जैसा कि आपको वीडियो में दिख रही होगी, हाँ ये 4700 वोल्ट, 4700 वोल्ट के हैं। और इसमें ये ट्रांजिस्टर हैं इसके 5243, तो टोटल इसमें 20 ट्रांजिस्टर हैं, 5243, 10 5200 10 1943, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 ये 20। इसका जो मेन मदरबोर्ड है जिसे ऑडियो बोर्ड बोलते हैं, इसके नीचे ये 20 ट्रेवल बोर्ड है, सिंगल फैन है इसके अंदर, जी रीसेट स्विच का अंदर से दिख रहा है, जिसका लेवल लेवल आउटपुट लेवल का बोर्ड है, जे इसका कटआउट बोर्ड है, जिसकी रिले है, बस इतना ही है इसमें जैसा कि दिख रहा हो। हाँ, इस एम्पलीफायर में एक प्रॉब्लम चल रही थी, इस प्रोटेक के इस एम्पलीफायर में, हर किसी एम्पलीफायर में इस 1200 वाट में एक प्रॉब्लम थी, ये लोड नहीं उठा पाता था। तो इसके लिए इसमें जैसा कि आप कनेक्शन दिख रहे होंगे, ये कनेक्शन करने से अभी लोड उठाने लग गया सही, इसके टांग डायरेक्ट, इसमें सिर्फ एक रेजिस्टेंस ली है जैसे कि आपको दिख रही हो, फ्यूज रेजिस्टेंस है जिसके कनेक्शन हैं जो ऑलरेडी थे वो, तो अब इसका लोड सही चल रहा है। जिस इस एम्पलीफायर में ये प्रॉब्लम आ रही थी, मुझसे बहुत लोगों ने बोली थी, पहले भी इसकी मैं वीडियो बना चुका हूँ, तो अब इसका लोड सही लेती है। किसी ने इसकी टेस्टिंग भी आपको दिखा देंगे, आप बोलो तो जी। एक बार वीडियो अपलोड कर चुका हूँ इस एम्पलीफायर की।